नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। कुशनगर थाना कस्या कांशीराम आवास में रोशनतारा नाम की एक महिला अपने सहयोगियों के साथ अवैध रूप से गर्भपात व डिलीवरी का कार्य करती है, जिसकी शिकायत एक समाज सेवी ममता तिवारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र गुप्ता को 23 तारीख को दी, लेकिन श्री गुप्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते एक ही महीने में 2 जच्चा बच्चा की मौत हो गई। क्या हुआ है? हमारी बीवी का जो देहांत प्रेग्नेंट थी, जो काशीराम आवास में रहती थी, वो जो सितारा रोशन तारा नाम है, हमारे घर से लेकर के आई और कही हमें रोशन करा देंगे, सही सलामत करा देंगे और हमसे पैसा भी ली, घर पे 10,000 और यहाँ लिया 10,000। मैं जब गए थे काम से लौटे और इनसे पूछा 3 बज गया कि अभी तक हुआ क्यों नहीं, तो एक बोली अभी हो जाएगा। जब 4 बज गया हमारी बीवी का देहांत हो गया, तब छोड़कर फरार हो गई और तब से हम नंबर ट्राई कर रहे हैं, नंबर ही नहीं लग रहा है। ये रोशन तारा कोई डॉक्टर है क्या? है रोशन तारा कौन है? रोशन तारा डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमारे घर से लेकर आई है, कह रहे थे कि हम डॉक्टरी में लेकर के जाएंगे, लेकिन वो लेकर चली आई है काशीराम आवास पे। डेथ कब हुआ है? 4 बजे। और ये रोशन तारा कहाँ है? भाग गई है, बॉडी छोड़ के भाग गई। कैसे छोड़ के भाग गई है? कौन सा थाना पड़ता? थाना कौन सा पड़ता? थाना कसया। ठीक, ये मैंने सीएमओ साहब को जनवरी में दिया था 23 तारीख में 2020 में, कि एक महिला है रोशन तारा करके, जो कांशीराम आवास में रहती है और यही एक किराए का रूम लेके 2/15 में अनलीगल बच्चा एवारसन और डिलीवरी कराती थी। और इसके बाद कई मामला सीरियस हुआ था, मैंने सीएमओ साहब को बताया भी, एक बार एप्लीकेशन देने के बाद भी मैंने फोन किया था कि आप क्या कर रहे हैं इसमें, तो उन्होंने कहा कि जांच चल रही है मैडम और जांच के बाद कार्रवाई की है। बिल्कुल नहीं। ये बंद नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल बंद नहीं हुआ। अभी एक महीना पहले एक महिला को मारा इसने, वो गरीब महिला थी, तो किसी तरह डरा धमका के उसको भगा दिया। और ये दूसरी महिला सुबह को लाई थी ये कह के कि चलो और तुम्हारा हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में लेके चल रहे हैं। सब जानते थे कि ये हॉस्पिटल में रहती है और इसके पहचान है, तो पहले कई मैं ट्राई करती हूँ अपने वहाँ। आपकी एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ।